क्रिकेट में पहली बार चिप वाले स्मार्ट बैट की हुई शुरुआत, जाने क्या है इसकी खासियत। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और स्टाइलिश गेम है। पॉपुलर होने की वजह से क्रिकेट के रूल्स में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। क्रिकेट को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ICC संभालती है। क्रिकेट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ICC हर साल नए रूल लेकर आती है। ऐसा ही एक नया रूल आया है बैट में चिप लगाने का। क्रिकेट तो स्मार्ट गेम है ही, अब इसको खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाले बैट को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। इसका मतलब है बैट के सिरे पर अब एक डिवाइस लगी होगी। यह डिवाइस बैट घुमाने की स्पीड, एंगल और खेले गए शॉट की एफिशिएंसी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। इस डिवाइस को बैट के सिरे में लगाने के बाद स्टेंस बीम एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाएगा, जिससे सारी इंफॉर्मेशन फोन पर ही मिल जाया करेगी। बैट में इस डिवाइस का यूज़ ICC चैंपियन ट्रॉफी 2017 में किया जा चुका है, इसीलिए इसे स्मार्ट बैट का नाम भी दिया गया था। ICC के CEO रह चुके डेव रिचर्डसन ने बताया है कि यह चिप बैट में लगाने के बाद बल्ले की स्पीड, एंगल और बैट किस दिशा में घूमा है इसका पता लगाया जा सकेगा। यह चिप बल्लेबाजों को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बैटिंग करने के बाद बैट्समैन यह पता लगा सकेगा कि वह शॉट कैसे खेल रहा है, उसका बैट स्ट्रेट लाइन जा रहा है या अक्रॉस द लाइन। इस डिवाइस का इस्तेमाल अलग अलग खेलों में भी होता है। डेव रिचर्डसन ने बताया कि इस चिप का इस्तेमाल गोल्फ और बेसबॉल जैसे खेलों में होता आ रहा है। इस डिवाइस के यूज़ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्रिकेट लवर स्टेंस बीम एप्लीकेशन के थ्रू बैट्समैन की परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं, और वो भी अपने फ़ोन पर। चिप बनाने वाली कंपनी। इस चिप को बनाने वाली कंपनी का नाम इंटेल है। इस साल 2020 अप्रैल में ICC ने इंटेल को अपना इनोवेशन पार्टनर बनाया है। ICC ने चैंपियन ट्रॉफी 2017 में सभी टीमों के मैक्सिमम 3 खिलाड़ियों को इस चिप का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। भारत की तरफ से इसे रोहित शर्मा, अंजिक्य राणे, रविचंद्रन अश्विन ने इस चिप का इस्तेमाल किया था। चिप में लगे स्मार्ट बैट की कीमत 2000 से लेकर 10000 रुपए तक है, और इन स्मार्ट बैट को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। दोस्तों, इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।